एवरीवन, वेलकम टू सर मिश्रा यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से 13,404 टीचिंग एंड नॉन टीचिंग वैकेंसीज ऑल इंडिया लेवल से जो आई हैं, जिनके लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, उनके टेंटेटिव एग्जाम के डेट जारी कर दिए गए। वो डेट आप सभी ने देख लिए होंगे, एक बार फिर इस वीडियो में भी हम देखेंगे। साथ ही साथ कुछ ऐसे आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में कि एग्जाम के डेट क्लैश हो रहे हैं, जैसे कि नवोदय विद्यालय के इंटरव्यू से क्लैश हो रहे हैं, और इसके अलावा कुछ रीट के एग्जाम से क्लैश हो रहे हैं। साथ ही साथ कुछ और भी इम्पोर्टेंट डेट है जिनके साथ केवीएस एग्जाम के डेट क्लैश हो रहे हैं। तो क्या ऐसे में एग्जाम के डेट जो टेंटेटिव आए हैं उसमें चेंज होंगे या एक्सटेंड होगी, आगे बढ़ेगी या पोस्टपोन होंगे, ऐसा कुछ चांसेस है क्या? तो चलिए आगे बात करते हैं इस वीडियो में, ज्यादा वक्त गवाए बिना, क्योंकि एक एक सेकेंड, एक एक मिनट आपके लिए प्रेशियस है। आप जो तैयारी कर रहे हैं वो आपके भविष्य के लिए, आपके जो करियर के लिए है, बहुत ही खास है ये वक्त। तो बिना वक्त बर्बाद किए चले आगे बढ़ते हैं, इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो एक नजर आप डाल लें कि आपके, याद कर लें कि कहाँ से एग्जाम के डेट शुरू हो रहे हैं और फिर कहाँ तक चलेंगे। 7 फरवरी से एक्चुअली शुरू हो जाएंगे, जिसमें कि असिस्टेंट कमिश्नर से लेकर 6 मार्च तक एग्जाम चलेंगे, जिसमें नॉन टीचिंग पोस्ट, लाइब्रेरियन, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एंड सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट तक के एग्जाम हो जाएंगे। 7 फरवरी से शुरू होकर 6 मार्च तक चलेंगे एग्जाम। अगर मेन हम ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए बात करें तो 12 से 14 फरवरी को एग्जाम, 12 से 14 फरवरी को होने वाले। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए अगर बात करें, पीजीटी ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट, आप जब सब्जेक्ट पूछते तो पीजीटी लिख दिया, मतलब ऑल सब्जेक्ट के इसी डेट में हो जाएंगे एग्जाम। टीजीटी ऑल सब्जेक्ट के इसी डेट में हो जाएंगे। तो 16 से 20 फरवरी पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट हो जाएंगे। पीआरटी की अगर बात करें तो पीआरटी की 21 से लेकर 28 फरवरी, लॉन्गेस्ट जो है इसको ही टाइम दिया गया पीआरटी को, प्राइमरी टीचर को 21 से लेकर 28 फरवरी 2023 तक पीआरटी के एग्जाम हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि डेट में एक्सटेंशन के चांसेस, पोस्टपोन होने के चांसेस हैं क्या, क्योंकि यहाँ पे टेंटेटिव वर्ड लिखा है, टेंटेटिव शेड्यूल। सबसे पहले कोई भी इन्फॉर्मेशन जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आती है वो केंद्रीय विद्यालय संगठन के अनाउंसमेंट सेक्शन में या किसी और सेक्शन में आपको देखने को न्यू में मिलती है, ब्लिंक हो रहा होता है, या फिर अनाउंसमेंट सेक्शन में मिलता है। तो आप हमेशा यहां से वेरीफाई कर दिया करें चीजों को। अब बात करते हैं, डेट पोस्टपोन होने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। हाँ, एक या दो डेट जो किसी नेशनल लेवल के एग्जाम से क्लैश हो रहे होंगे, जैसे कि अगर आप कह रहे हैं कि एनवीएस के किसी इंटरव्यू डेट से क्लैश हो रहे होंगे, तो अगर बहुत सारे मेल जाएंगे कैंडिडेट्स के, तो हो सकता है कि वो एक या दो डेट जो है, पर्टिकुलर डेट, वो हो सकता है कि उस डेट को, एक या दो डेट को चेंज कर दिया जाए। अदरवाइज डेट पोस्टपोन बहुत ज्यादा होने के या पोस्टपोन होने के चांसेस बिल्कुल नहीं के बराबर है। आप यही डेट फाइनल समझ के चलें। इसी में हो सकता है कि +2 डेज या -2 डेज, ऐसे आप कर सकते हैं। तो फरवरी अगर लिख दिया है कि फरवरी में शुरू होगा और 6 मार्च तक खत्म होगा, तो मतलब लगभग लगभग यही रहेगा फाइनल। डेट पोस्टपोन होने के उम्मीद में बिल्कुल भी नहीं बैठे, यही समझ लें कि फाइनल है। एक या दो डेट अगर आगे या पीछे होता भी हो तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मतलब यही समझ लें कि फाइनल है और इसी डेट को पकड़ के आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहना है एंड तक। आप सभी को बेस्ट विशेष, थैंक यू वेरी मच।